आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2022 का महीना। कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मध्यम रूप से फलदायक रहेगा, लेकिन इस महीने सबसे ज्यादा आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, एक तो आपका स्वास्थ्य और एक आपके घर का माहौल। यह दोनों ही खराब स्थिति से गुजर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि इस महीने भाग्य प्रबल रहने से आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी और बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे। कहीं गया हुआ धन वापस लौट कर आएगा और परिवार की स्थिति भी अच्छी रहने से आप काफी हद तक सुकून भरी सांस लेंगे। शिक्षा व करियर, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके अनुकूल रहेगा। महीने के पूर्वांत में आपका ट्रांसफर होने की स्थिति बन सकती है। यदि आप कोई नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वह बदलाव भी समय में आ सकता है और आपकी नौकरी बदल सकती है। नई नौकरी पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी होने की संभावना रहेगी। 11 तारीख को शुक्रवार, 13 तारीख को बुध के दशम भाव में प्रवेश करने से आपके कार्यक्षेत्र में और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र पर काम करना पसंद आएगा। वहाँ का माहौल भी सकारात्मक रहेगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। फिर 16 तारीख को सूर्य देव भी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको बल मिलेगा और आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपको अधिकार और सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी पदोन्नति होने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो महीने की शुरुआत में शनि महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो पूरे महीने वही रहेंगे। यह स्थिति अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह आपका कोई ना कोई पक्का खर्चा लगाए रखेगी, जिससे आप जितना भी कमाएं, आपको खर्च करना ही पड़ेगा। बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में बैठकर आर्थिक स्थिति को कुछ अच्छा बनाएंगे और आपको धन संचय करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर भी आपको इस पूरे महीने अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी कमाई खर्च के रूप में ज्यादा वह हो सकती है और उसके लिए आप बाद में परेशान हो सकते हैं। प्रेम व पारिवारिक, यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में बैठे वक्री मंगल प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ाने का काम करेंगे और इससे आप और आपके प्रिय मित्रों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण लड़ाई झगड़े और वाद विवाद की स्थिति बार बार बनेगी और आपसी अहम का टकराव होगा, जिससे रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। लेकिन यदि आप थोड़ा धैर्य रखें और झगड़े से तथा वाद विवाद से दूर रहेंगे, तो महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल पंचम भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव में वक्री गति करेंगे, तो आपकी स्थिति में बदलाव आएगा। आपके दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं, जो पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। आपके कुटुंब के लोग वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करेंगे और घर परिवार में संस्कार बढ़ेंगे। एक दूसरे को प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। हालांकि शनिदेव की द्वादश भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि होगी, जो बीच बीच में कुछ चुनौतियां उत्पन्न करेगी। स्वास्थ्य का मोर्चा ऐसा है, जिस पर इस महीने आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में ही रहेंगे। पैर में चोट, मोच, आंखों से पानी बहना या आंखों में दर्द, देर रात तक जागना, आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे या पेट और छाती से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। चतुर्थ भाव में मंगल और दशम भाव में बैठे सूर्य, बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने से महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव कमजोर हो जाएगा, जिससे यह सभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और रोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य पीड़ित ना हो पाए और आप अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ ले सकें। उपाय, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें।
नवंबर माह के लिए कुंभ राशि का शुभ रंग आसमानी नीला, हरा, फिरोजी रहेगा और शुभ अंक 10 रहेगा। प्रिय दर्शक, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का सहृदय धन्यवाद।